हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर वर्म्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वायरस। द वर्म इज़ अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। बेसिकली वर्म इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूज कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इट्स सेल्फ। जो वर्म है, वर्म क्या करता है, अपनी कॉपीज़ हैं जो वो अपनी कॉपीज़ बनाता जाता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में एक वर्म एंटर कर गया तो वो क्या करेगा, अपनी कॉपीज बना देगा हर एक ड्राइव में या हर एक फोल्डर में। ठीक है, बेसिकली जो वर्म है, वर्म हमारे कंप्यूटर में आता किस तरह है। फर्स्ट क्या करता है, जो वर्म है, वर्म क्या कर रहा है, हमारे कंप्यूटर के जो नेटवर्क सिक्योरिटी होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर उसको कोई भी सिक्योरिटी होल्स फाइंड आउट हो जाता है हमारे नेटवर्क में, तो वो क्या करता है, कॉपी कर देता है खुद की। ठीक है, जो कंप्यूटर वॉर्म है, ये खुद का जो कोड है वो किसी और एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं करता, ये खुद की ही कॉपीज़ हैं वो बनाता जाता है। ठीक है, जो वॉर्म है, जैसे इस डायग्राम में बनाया गया है, ये एक वॉर्म बनाया है हमने, तो ये क्या है कि इस पीसी में चला गया। दिस पीसी इज विक्टम पीसी, तो इस पीसी में चला गया, ये क्या है, वॉर्म की फर्स्ट कॉपी है। तो इस पीसी में जाने के बाद क्या हुआ, इस वॉर्म की सेकेंड कॉपी बन गई, जो क्या होगी, इन तीन सिस्टम्स में ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, और जो वॉर्म है, वॉर्म का काम क्या है, कि वॉर्म का काम क्या है, वॉर्म फैक्ट कैसे डालता है, जो वॉर्म है वो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा और हमारे कंप्यूटर की स्पीड क्या है वो कम हो जाएगी। और अनदर सेकंड ये क्या कर रहा है, जो कंप्यूटर है वो हमारे नेटवर्क बैंडविड्थ पर भी इफेक्ट डाल रहा है। जब जब भी वॉर्म्स जो हैं वो हमारे पीसी में नेटवर्क के थ्रू कॉपी हो रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी। और जो वॉर्म है, वॉर्म को डेवलप किसने किया था, वॉर्म को डेवलप जिसने किया था उनका नाम था रॉबर्ट टेफन मॉरिस। उन्होंने 2 नवंबर 1988 को वॉर्म को डेवलप किया था। वॉर्म को डेवलप करने के बाद उनका जो नाम था वो भी मॉरिस वॉर्म बन गया।